हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। आप लोग सोचे होंगे दीदी ने चुन्नी क्यों ली है, तो चुन्नी क्यों ली है वो भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना है। तो जी, सबसे पहले तो आप देख लो, ये सारा क्लीन हो चुका है, सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, कपड़े सूख चुके हैं, अभी मेरे को फोल्ड करने हैं। और ये भी पूरा अरेंज है, ठीक है। और ये वाला एरिया दिन में 5-6 बार बिखरता है, 5-6 बार अरेंज होता है। इधर से भी पूरा साफ़ है, ये कपड़े अभी गीले हैं जो कि थोड़ी देर बाद सूखेंगे जब मैं उतार लूँगी। पेड़ पौधों में पानी भी लग चुका है, और ये प्लांट्स जो है ना, इनको अपने बच्चे के जैसे पालना पड़ता है। और ये काम मैं रोज़ करती हूँ, ठीक है, रोज़ मैं 1 घंटा लगाती हूँ इनमें, बहुत मेहनत करती हूँ। ये तब इतने हरे भरे हैं, फूल खिले खिले हैं, ठीक है। और अभी घड़े रखने हैं छाया में अंदर, बाहर हवा लग रही थी तब रखे थे मैंने, अभी थोड़ी देर में रख दूंगी मैं वीडियो ये वाला बनाते ही। तो ये सारे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, मतलब इन सब में बहुत मेहनत करती हूँ मैं, कम से कम 1 घंटा रोज़ लगाती हूँ। ये देखो, अब ये वीडियो मैंने क्यों शुरू किया, इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। चुन्नी क्यों चुन्नी तो इस धूप से बचने के लिए ली, क्योंकि ये धूप जो है ना बहुत ज़ोरों वाली है, और मेरे घर में ये आ जाती है 7:30-8 बजे के बाद ही, गर्मियों में यहाँ छत पे 7:30-8 बजे आ जाती है, इतनी देर ही रुकती है। अब चलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नीचे, ठीक है। आप लोगों ने कल एक वीडियो देखा, उसमें देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, बहुत सारा, और ये मेरा ही घर है, मैंने उसको गंदा कर रखा था जानबूझ के। अभी बताती हूँ, ये पूरा एरिया है ना बहुत कचरे से भरा हुआ था, चारों तरफ बस कचरा ही कचरा था। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत है मिट्टी, देखो एक दिन में, कल के बाद में आज में इतनी आ गई सफाई करने के बाद। कल सफाई हुई थी यहाँ पे, किसी ने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, तो ये पूरा कचरे का भरा हुआ था, बहुत सारा कचरा था यहाँ पे। उधर सीमेंट के कट्टे वगैरह, जैसे देखो अभी भी पीछे रखा हुआ है, सीमेंट वगैरह, जूते वगैरह बहुत पड़े हुए थे। ये डिब्बे का कट्टा मैंने भर के रखा था, और ये नीचे का हाल भी बहुत बुरा हो रखा है। आज मैं मेरी सच्चाई खुद दिखाती हूँ, मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे इतना कचरा मैं फैला के रखती हूँ, चारों तरफ बहुत कचरा फैला रखा है मैंने, इधर भी मैंने बहुत कचरा फैला रखा है। ये देखो पत्ते, ऊपर वो जाल है ना, उसमें से पत्ते बहुत सारे आते हैं उड़ उड़ के, इधर मैंने इतना कचरा फैला रखा है। ये थैले मैंने ऊपर जो कपड़े गर्मियों के या फिर ऐसे जो वेस्ट हैं जो नहीं पहने जाते वो भर के मैंने रखे थे, इनमें से कुछ कुछ निकाल के कोई ले गया जब ये इस तरीके से हो गए। ऐसा कुछ हाल है यहाँ का, देख लिया होगा आपने। ये देखो यहाँ पे भी इस तरीके से मैंने फैला रखा है, ठीक है, ये अलमारियों में भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह मैंने कचरा फैला रखा है। अब मैं इसके पीछे का बताती हूँ, देख लिया आप लोगों ने इतना कचरा यहाँ फैला हुआ है। ये अरे वो रूम तो रह गया, वो तो मैंने दिखाया नहीं, इसने तो बिस्तर रखे हुए हैं, ये देखो ये बिस्तर रखे हुए, ये तो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, ये भी मैंने यहाँ पे फैला रखे हैं, इनकी भी मैं केयर नहीं करती। अब बताती हूँ आपको इसके पीछे का रीजन, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात सुनो, ये जो इतना मलबा पड़ा हुआ है ना, ये इसको तोड़ने का पड़ा हुआ है, और ऊपर से थोड़ा बहुत फोड़ा था उसका पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको उठाने के लिए कोई नहीं है, इसको उठाने के लिए मैं ही थी, और अब मैंने उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया वो भी बताऊं आपको। तो जी क्यों नहीं उठाया ये कचरा, उसके पीछे का कारण बताऊं आपको, कि जिस दिन काम जब हमारे ऊपर काम चल रहा था ना, जब इसको फोड़ा जा रहा था, तब मैंने साफ साफ कहा था साहब ये फूटेगी तो कचरा फैलेगा नीचे, और वो कचरा ऊपर आएगा तो उसके लिए कचरा फैलेगा, तो मजदूर साथ साथ लगा लो। साहब ने कहा बाद में उठाएंगे, अभी मजदूर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मजदूर बस ऊपर ऊपर का काम खत्म करके फिर छुट्टी पे जाएंगे, बाद में दोबारा काम लगेगा ना जब देखेंगे। तो मैंने कहा साहब ये दोबारा जब काम लगेगा, जब ही फूट जाएगा, अभी क्यों फोड़ने को बोलते हो, अभी रहने दो, मजदूरों को तो जो कहोगे वो काम करेंगे, अभी फुटवाओ मत। मैंने मना किया, लेकिन मेरी एक भी नहीं चली, फोड़ा गया इसको, फोड़ा गया तो ये कचरा निकला, ये इतना ये रोड, ये पत्थर जो है ना ये निकले। उस टाइम पर
जब ये काम चला हुआ था, ये रोड़ी पत्थर निकले थे, उस टाइम पर आप लोगों ने देखा था मेरे टाइफाइड हो रखा था। उसके बाद के वीडियोस देखा, टाइफाइड होने के 2-3 दिन बाद में ठीक होती हूँ, जस्ट बाद में मैं नीचे सारे सफाई करके जाती हूँ, ठीक है। फिर हमारे घर में एक शादी थी, शादी से पहले भी मैं फिर सारे में सफाई करके जाती हूँ, ठीक है, सारे में सफाई करके जाती हूँ, ये पड़े रहते हैं फिर भी मैं सफाई कर जाती हूँ। फिर मैंने एक दिन कहा, एक दिन मजदूर लगा कि सारे पत्थर ऊपर गिरवा दो, एक साइड में बाहर गिरवा दो, ये साफ हो जाए अच्छे से, क्योंकि फर्श तो नीचे है ही, झाड़ू अच्छे से लग जाएगी सारे में, और जाड़ को ढक देते हैं क्योंकि वो जाड़ में से बहुत सारा कचरा आता है, रोज रोज गंदा होता है नीचे। बोला गया कि नहीं देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट बात है तो ये फोड़ना नहीं चाहिए था, जब जरूरत हो ना, जब आदमी को ऐसी चीजों में पैर डालना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। कम्बल पड़ा हुआ है ना, वो कंबल ओढ़ने का था, आपने देखा हो तो सर्दियों में बंदा ओढ़ता था उसको, लेकिन उस कंबल के ऊपर यहाँ पे सीमेंट डाली गई। मैंने बोला ये सीमेंट इसमें से निकलेगी नहीं, क्योंकि सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारा पानी चाहिए और बहुत सारी मेहनत चाहिए, मशीन में मैं धोने वाली नहीं उसको, ठीक है, यहाँ पे सीमेंट डाली गई थी, लेकिन फिर भी उस सीमेंट के ऊपर वो कंबल ढका गया, जबकि वेस्ट बहुत है, वो कट्टे वगैरह वो भी ढक दिए, ढक सकते थे अगर कोई इंसान चाहता तो कंबल वहां पड़ा है, मैंने नहीं धोया। भाई सच बताऊं तो कल मैंने बहुत सारी गालियां सुनी, उसके बाद में मैंने सोचा चलो ये वीडियो शूट करते हैं, बताते हैं जो भी है वो, एक मुंह की कही भी क्यों सुनते हो। अब मैं हूं आप सबको पता ही एक नंबर का जिद्दी इंसान, और लोग कहते हैं, किसी शाणे आदमी ने कहा है कि जहां पर दोनों जिद्दी हो जाए ना वहां पे घर नहीं बसते, ठीक है, तो मैं भी एक नंबर का जिद्दी इंसान हूं। अब मैंने बोला फोड़ो मत, फोड़ोगे तो, और ये रियलिटी भी है यार, फोड़ोगे तो कचरा तो बिखरेगा ही, उसको उठवाना भी पड़ेगा, अगर नहीं उठवाओगे तो मैं तो भाई कितना उठाऊंगी, मेरे से तो नहीं उठने वाला। ऊपर का भी आप देख रहे होगे, ऊपर सारे में रोज झाड़ू लगती है, सारा सब कुछ अरेंज होता है, साथ साथ मेरा यूट्यूब का काम भी है, 2 बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी है, घर का जो डेली बेसिस पे काम होता है वो है ही। अब मेरे से तो वो मलबा उठा के ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। अब इनका कहना ये है कि जब सीढ़ियाँ बनेंगी ना, यहाँ से सीढ़ियाँ बनेंगी तो सीढ़ियों में वो मलबा काम आएगा, तो काम आएगा तो जब वो सीढ़ियाँ बनती जब भी फूट सकता था, जरूरी नहीं था उसको पहले फोड़ के और वो कचरा फैला के छोड़ना। जब तक वो कचरा नहीं फैला था मेरी झाड़ू वहाँ लगती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर, पूरा नीचे साफ रहता था, क्योंकि मेरे को खुद को कुचरनी रहती है, मेरे से खुद से सुकून से नहीं बैठा जाता, मेरे को खुद को घर खराब होता है ना तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन भाई अब की बार मैंने जानबूझ के खराब किया कि अपन भी नीचे जाएंगे नहीं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा गंदा होएगा, पड़ा रहेगा हर जगह में, मैं ही क्यों मरूं, मैं ही अपने जान जो है ना उसको, एक मेरी भी एक छोटी सी जान है, इसको परेशानियाँ, इसको कष्ट क्यों दूं, मैं क्यों मलबे को उठा उठा के सिर पे ढो के बाहर डालूं, ठीक है। रही बात कचरे की, बाकी घर में जो फैला है, मेरे पास ये एक रूम ही है, एक वो है जिसमें हमारा ज़रूरत का सामान है, अब जो बिना ज़रूरत का सामान है वो नीचे रखा ही जाएगा, नीचे रखने के लिए अगर वो कचरा डेली साफ होता रहे तो एक साइड में रखा भी था मैंने, टेबल के ऊपर बिस्तर रखे हुए हैं, ढक्के रखे थे बड़े आराम से बढ़िया तरीके से, लेकिन उनको बार बार उनमें से कुछ निकालना होता है, जब एक निकालना होता है 4 बिखेरना होता है, ये काम होता है, क्योंकि खुद से तो खुद ने तो किए नहीं सेट, जो मेहनत करेगा उसको तो तकलीफ होगी बिखेरते टाइम, अब खुद ने तो सेट किए नहीं, मैंने सेट किए थे, अब दोबारा बिखेरे तो भाई मैं तो बार बार सेट करूँगी नहीं, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, मेरा अकेली का बर्बाद होएगा क्या, देखी जाएगी जो होगा वो, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। अब मैंने तो साफ बोला था, वही मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि मैं हूँ एक नंबर की जिद्दी, फिर मैं तो झाड़ू लगाऊंगी नहीं नीचे, मैं तो साफ करूंगी नहीं, चाहे ऐसा फैला रहे चाहे वैसा फैला रहे, मेरा जितनी दूर में मेरा एरिया है जहाँ पर मेरे को रहना है, जहाँ पर मेरे से नहीं रहा जाता बिना सफाई किए, उतने में मैं करूँगी, और उतने में मेरे से होगी, इससे ज़्यादा मेरे से होगी भी नहीं, मुझे मेरा काम भी देखना है, ठीक है। तो वो गंदा है गंदा ही रहेगा, अब उसको जिसको साफ़ करना है, जिसको ज़रूरत है वो साफ़ करो, अपने से तो नहीं होता, जिसने दिमाग चलाया था कि फोड़ करके बाद में सीढ़ी बनेगी, कचरा फैला रही चाहे तो वो साफ़ करो, मिट्टी जो है बाहर से उड़ उड़ के जा रही है, जाड़ में से जा रही है नीचे, अगर जाड़ नहीं ढकना तो रोज़ रोज़ साफ़ करो, अपने आप अपने से तो नहीं होगी, ठीक है। तो जी ये थी सारी असलियत, और मैंने साफ एंड जो टूक जो शब्द होते हैं ना सीधे सटीक, उनमें बताया, कोई चौपड़ी बातें नहीं की कि भाई मैंने चिकनी चुपड़ी बातें की हैं, मैंने मेरी बहुत अच्छी इमेज बनाने के लिए बातें की हैं, जो भी सच था
वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है और यही सच है, यही मैंने सामने वाले को बोला था। इसमें मैंने एक बात भी छुपाई नहीं, जो हकीकत है वही बताई है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की बातें या किसी भी तरीके की बातें हो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला नाराज़ होगा, दो दिन बात नहीं करेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बिगड़ना। जो बात है वो साफ बोलो, सुखी रहो, क्योंकि मेंटली जो होता है ना डिस्टर्बेंस, वो मुझे भी नहीं करना मेरा, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।